सफर जायके का। हम उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं मेरठ के खास जायके। इस वक्त मैं मेरठ के गंगानगर में हूं और गंगानगर में मेन रोड पर साई स्वीट्स के नाम से एक ऐसी स्वीट शॉप है जिनकी मिठाइयां यहाँ के लोगों में बहुत पॉपुलर है। मिठाइयों के अलावा बहुत सारे और दूसरे खाने पीने के आइटम्स हैं जो लोग यहाँ पसंद करते हैं। आइए हम देखते हैं साई स्वीट्स में कौन से ऐसे जायके जो यहाँ से हम आप तक पहुंचा सकते हैं। मेरे साथ हर प्रकाश थापर जी हैं। 2015 में इन्होंने इस जगह की शुरुआत की थी। इस समय इस पूरे इलाके में इनकी मिठाइयां बहुत पॉपुलर हैं, स्नैक्स से बहुत सारे आइटम्स हैं जो लोग यहां पसंद करते हैं। आइए हम बात करते हैं धर्म प्रकाश जी से, जानते हैं साई स्वीट्स की खासियत के बारे में। साई स्वीट्स की खासियत है क्या? स्पेशल प्रयास ये है कि हर चीज जो भी आप यहाँ आके एक तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरे भी प्रोडक्ट ऐसे है जो मैं चाहूंगा कि वो सभी लोग जैसे छप्पन हो या लाइक हो या संदेश आपका संदेश हो गया तो ये भी है कि जो भी आप टेस्ट करेंगे शायद वहाँ आपकी अपेक्षाओं का खाया जाए। मुझे लगता आप नई शुरुआत करेंगे कहाँ के शुरुआत गोलगप्पे से। देखने में मुझे बड़ा टेंप्टिंग सा लग रहा है, बहुत अच्छे से इन्होंने प्रेजेंट किया इसको। ऊपर से कटी हुई चुकंदर है, कुछ अनार के दाने हैं, दही इसके अंदर इन्होंने डाला हुआ है और अंदर सौंठ की चटनी है इसके अंदर। मैं देखता हूँ इस दही सौंठ के गोलगप्पे का कैसा जायका है। कमाल का स्वाद है। हमने उत्तर भारत से मध्य भारत तक तकरीबन हर शहर में चाट टेस्ट किया है और हर शहर के चाट के मुख्तलिफ जायके अब तक पहुंचाए हैं। गोलगप्पे की अगर मैं बात करूं तो मुझे पूरे मेरठ शहर में इतना अच्छा गोलगप्पा खाने को नहीं मिला। तो ये जो गोलगप्पा है इनका बहुत बढ़िया है। खासियत इसकी है कि इसमें जो बैलेंस है स्पाइसेस का बिल्कुल परफेक्ट है। आपको जरा सा भी फील नहीं होगा कि कोई भी मसाला ज्यादा डाला हुआ है इसके अंदर या कम डाला हुआ है। जो बैलेंस है मसालों का बिल्कुल परफेक्ट है। मेरठ में साई स्वीट्स के इस गोलगप्पे के लिए मेरी रेटिंग है 9/10। दिल्ली से लेकर मुंबई तक अगर आप ट्रेवल करें तो आपको तकरीबन हर शहर में पाव भाजी खाने को मिल जाएगी। हमने देखा है यहाँ मेरठ में पाव भाजी यहाँ पर तकरीबन हर फूड स्टॉल पे आपको मिल जाएगी। मैं देखता हूँ साई स्वीट्स की पाव भाजी का कैसा फ्लेवर है। काफी सारा बटर मुझे इसमें नजर आ रहा है। गार्निशिंग में कटी हुई अदरक और हरा धनिया है, साथ में थोड़ा सा सैलेड है। ये जो पाव इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं बहुत ही फ्रेश पाव है, बहुत सॉफ्ट है, फ्लफी है। भाजी के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं बिल्कुल फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इन्होंने इसमें इस्तेमाल किया है। मसाले बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे मसाले नहीं है जो आपकी जबान पर हमला करें। साथ में काफी सारा बटर है, काफी सारी कैलोरीज हैं, लेकिन अगर मैं स्वाद की बात करूं स्वाद इसका बहुत बढ़िया है। साई स्वीट्स के इस पाव भाजी प्लेटर के लिए मेरी रेटिंग है 8/10।
हमने भारत के मुख्तलिफ शहरों में मलाई चाप टेस्ट किए। पिछले एपिसोड में भी हमने एक मलाई चाप का जायका आप तक पहुंचाया था। हम देखते हैं साई स्वीट्स की मलाई चाप का कैसा जायका है। इस मलाई चाप की हमने तारीफ बहुत सुनी है, अब मैं देखता हूँ इसका स्वाद कैसा है। ये जो मलाई चाप का जायका है ये अद्भुत है, दिव्य है। मैं जिस शहर में भी गया हूँ तकरीबन हर शहर में मैंने मलाई चाप टेस्ट किया, ऐसी मलाई चाप मुझे कहीं नहीं मिली। खासियत इसकी है कि इन्होंने चाप के साथ में टोमेटोज और कैप्सिकम को भी रोस्ट किया है, टोमेटोज और कैप्सिकम्स को भी साथ में सर्व किया है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त जायका इसका। साई स्वीट्स की इस मलाई चाप के लिए मेरी रेटिंग है 10 out of 10। मेरे साथ विवेक जी हैं। विवेक जी यहाँ के एक रेगुलर कस्टमर हैं। विवेक जी मुझे सबसे पहले तो बताइए आप कब से आ रहे हैं? जिस दिन से ओपनिंग हुई है। अच्छा, जिस दिन से ओपनिंग, जिस दिन बन रही थी हमको ये उम्मीद थी कि शायद जैसे साई स्वीट है, धार्मिक प्रवृत्ति का नाम जैसा नाम है तो उसी टाइप की यहाँ पे आइटम होगी। वही आइटम हम रेगुलर देखते आ रहे हैं, फ्रेश चीज। जैसे रसोई में खाना बनता है सुबह, आदमी को शाम तक जब खाना खाता है वो भी शाम को फ्रेश नहीं होता। इसी वजह से यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बना के रख लिया, अपनी एक उनकी कैपेसिटी की हमें इतना बनाना है, उतनी कस्टमर को खिलाया छुट्टी, आदमी शाम को वापस जा रहा है कि आइटम खत्म हो गई। मुझे इनकी क्वालिटी की अच्छी लगती। सबसे बड़ी बात क्वालिटी के साथ साथ बात करने का ढंग, कस्टमर की का वेलकम के साथ साथ व्यवहार को प्रायोरिटी पे रखते हुए ये व्यापार कर रहे हैं। आज आप क्या लेने के लिए आए? मैं तो डेली कभी कुछ ना कुछ, मेरा गंगानगर रहता हूँ, कभी कुछ ना कुछ लेने के लिए। स्वीट्स में एक ऐसा आइटम जो हम अपने व्यूअर्स को रिकमेंड करेंगे, जब भी मेरठ आए साई स्वीट्स का एक आइटम जरूर टेस्ट करें। वन आइटम टू टाइप फॉर, एक आइटम टेस्ट करेंगे तो दो आइटम जरूर लेंगे। अच्छा, वो एक आइटम बता दीजिए जो अपने व्यूअर्स को रिकमेंड करेंगे, जरूर टेस्ट करेंगे। जो राजभोग, राजभोग मेरे लिए परफेक्ट है। छप्पन भोग मैं खाता हूँ लेकिन मेरी तृप्ति राजभोग से होती है। किसी आदमी को स्पंज भी चाहिए, थोड़ा मीठा भी चाहिए, केसर रुख भी चाहिए और थोड़ा सा इसमें एक जैसे ड्राई फ्रूट का टेस्ट भी चाहिए, तो राजभोग परफेक्ट है। साई स्वीट्स के स्नैक्स कॉर्नर पर हूँ और मेरे सामने एक पिज्जा पेटीज है। काफी सारी चीज मुझे इसमें नजर आ रही है, इसके अंदर वेजिटेबल्स की फिलिंग है, पनीर की फिलिंग है। पिज्जा पेटीज बढ़िया है, थोड़ी सी ऑयली है, काफी सारी कैलोरीज है इसके अंदर, लेकिन अगर मैं स्वाद की बात करूँ स्वाद इसका बढ़िया है। इसको थोड़ा सा कम ऑयली रखा जा सकता था लेकिन थोड़ा सा ज्यादा ऑयल है इसके अंदर। इस पिज्जा पेटीज के लिए मेरी रेटिंग है 7 out of 10। मेरे साथ आशीष हैं। आशीष अपने फादर के साथ इस जगह की देखभाल करते हैं। आशीष मुझे बताइए स्वीट्स में हम क्या टेस्ट करने वाले हैं? पहले बंगाली स्वीट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप 3 चमचम टेस्ट कीजिए, ये बिना अनाज के, ये आप खीर चमचम का जायका बहुत बढ़िया है। ये जो आपकी खीर चमचम है इसकी खासियत यह है कि इसमें बहुत ही माइल्ड स्वीटनेस है। खीर चमचम के लिए रेटिंग है 8 out of 10। इसके बाद में आपको एक बटर स्कॉच संदेश पेश करा है। लोग संदेश बनाते हैं, प्लेन बनाते हैं, लेकिन हमने उसको मॉडिफाई करके बटर स्कॉच में बनाया है। बहुत माइल्ड स्वीटनेस है इसमें भी, बटर स्कॉच का फ्लेवर मुझे प्रोमिनेंटली फील हो रहा है, बहुत बढ़िया। इस बटर स्कॉच संदेश के लिए मेरी रेटिंग है 8 out of 10। अब इस वक्त मेरे हाथ में एक कोकोनट ड्राई फ्रूट लड्डू है। हमने मुख्तलिफ शहरों में काफी सारी जगहों पर हमने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू टेस्ट किए हैं। मैं देखता हूँ साई स्वीट्स का ये कोकोनट ड्राई फ्रूट लड्डू इसका कैसा टेस्ट है। बिल्कुल फ्रेश कोकोनट है, काफी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, काफी सारा घी है इसके अंदर, काफी सारी कैलोरीज हैं, लेकिन स्वाद इसका बहुत बढ़िया है। इस कोकोनट ड्राई फ्रूट लड्डू के लिए मेरी रेटिंग है 9 out of 10।
ये एक हमारे यहाँ की बहुत ही स्पेशलिटी आइटम है और इसको लोग छप्पन भोग के नाम से जानते हैं। कमाल का जायका सर, बहुत बढ़िया। आपको बंगाल से दिल्ली तक और दिल्ली से मुंबई तक, और अगर आप साउथ में भी जाएं तो आपको बंगाली स्वीट्स तकरीबन हर जगह मिल जाएंगी। ऐसी बंगाली मिठाई मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और मिलेगी। जिस तरह से इसका नाम है छप्पन भोग, अगर इसमें छप्पन तरह के इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है, जायके के घर में बात करूं तो सब बहुत बढ़िया, बहुत ही माइल्ड स्वीटनेस है, काफी सारे हर्ब्स हैं अंदर, स्पॉन्ज है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, साथ में चाशनी है, बहुत ही माइल्ड स्वीटनेस के साथ बहुत बढ़िया चाशनी है। इन सारी मिठाइयों की खासियत यह है कि जब ये मिठाइयां आप खाते हैं तो आपको गले के अंदर जरा सा भी इरिटेशन फील नहीं होता। बहुत ही प्योर इंग्रेडिएंट्स हैं, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं, और उसी की वजह से एक जायका इनके अंदर ऐसा पैदा हो जाता है जो शायद आपको और कहीं नहीं मिले। साई स्वीट्स के इस छप्पन भोग के लिए मेरी रेटिंग है 10 out of 10। मेरठ के गंगानगर में साई स्वीट्स के इस छप्पन भोग के अद्भुत जायके के साथ जायके के सफर के इस एपिसोड को हम कंप्लीट करते हैं। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे, तलाश करेंगे कुछ और चटपटे मजेदार जायके। नेटवर्क 15 पर आप देख रहे थे सफर जायके का।